ये हमारी परिभाषा है, जो होती है
बाइबल से समझिए, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का, किसी भी चीज का नाम हो वो आपकी क्या है, संज्ञा है। यानी ए टू जेड जहाँ तक हमारी आंखें पहुंच सकती हैं, हमें कोई भी चीज दिखाई देती है जिसको हम नाम लेके पुकारते हैं, वो सारी आपकी क्या है, संज्ञाएं हैं। ठीक। अब संज्ञा मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। तीन हो गया, चार हो गया, पांच। पहला होता है आपकी जातिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और कौन सी बची? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये पांच संज्ञाएं होती हैं सर, और जितनी भी चीजें हमने पढ़ ली हैं, और इनका बहुत बड़ा प्रयोग है इस कंपटीशन लेवल पर। अब बात करें जाति, कोई बता सकता है जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी में इस संज्ञा के माध्यम से जब हमें किसी भी वस्तु की जाति का पता चलता है, जैसे जाति का मतलब, जैसे मान लीजिए लड़की है तो लड़की की जाति क्या हो गई? स्त्री। तो ये जात में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पुरुष है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर यहीं पर उसका नाम दे दिया जाए, मान लीजिए ये नाम हो गया रमा और ये नाम हो गया रमेश, रमा और रमेश ये किस में चले जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कहने का मतलब है जब हमें किसी की जात का बोध होता है तो वो जात कहलाती है, लेकिन अगर उसी जात का नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक चली जाती है। और सर किसके जात के? देखिए जैसे मैंने कहा, ध्यान समझिए, हमने कहा पर्वत, ठीक, और हमने कहा हिमालय या फिर अरावली। ठीक। अब हिमालय अरावली क्या है, इनकी जाति क्या है? पर्वत होना है। तो सर इनकी जाति क्या है? पर्वत। तो पर्वत जाएगा जातिवाचक में, लेकिन जब नाम हमको पता हो गया ये हिमालय है, ये अरावली है, तो ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार फिर से बताएं। चलिए सर, पुरानी चीज नहीं, नई चीज बताते हैं। जैसे हमने कहा गंगा, मैंने कहा यमुना, और मैं ये सब ना कह के मैं कह दूं मैंने नदी देखी। क्यों सर? मैंने नदी देखी। तो गंगा यमुना की जाति सर क्या है? है क्या ये नदी है? तो जब इनकी जाति का बोध हो गया नदी है, तो ये सर जातिवाचक में चली जाएगी। और अगर मैं कह दूं गंगा है और यमुना है, दोनों नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। ठीक है, समझ आया? अगर मैं कह दूं मैंने गुफा देखी सर, मैंने गुफा देखी, या मैंने गुफा हटा दीजिए, मैंने कहा मैंने दर्रा देखा मुझे। ठीक। अब मैं कह दूं हिमाचल में मैंने रोहतांग देखा, हिमाचल में ही तो है, मैंने रोहतांग दर्रा देखा सर। ठीक। अब रोहतांग क्या है सर, उसकी जाति क्या है? नहीं तो है, तो ये दर्रा किस में चला गया? जाति में चला गया। और पार्टिकुलर उसका नाम हमने बता दिया रोहतांग, तो वो व्यक्ति में चला गया बस। और अच्छा गुरु जी हटा दो, आपकी जेल में बहुत लंबा चौड़ा रखा होगा। ठीक। और मैं कह दूं एप्पल, अगर मैं कह दूं सर फोन, सॉरी अगर मैं कह दूं एप्पल, एप्पल आपकी जेब में रखा है सर, तो जायजी वाले एप्पल कंपनी का नाम है, और जब नाम है तो व्यक्ति में चला गया। और एप्पल की जात क्या है, क्या है आपके पास एप्पल का? फोन है, तो फोन जाएगा जातिवाचक में। क्लियर? अभी भी किसी को डाउट बताइए, इसमें बहुत को डाउट करते हैं।
क्या होता है पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। भाव का मतलब सोचते क्या होता है, कभी कभी आ जाता है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अभी कोई शब्द दे दिया जाए और पूछा जाएगा इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो भाव का मतलब ही क्या होता है, तो है सर, लेकिन भाव का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, जहां पे हमें किसी वस्तु का गुण, दोष, बुराई, अच्छाई ये सब पता चले वही हमारा भाव होता है। जैसे मैंने कहा बहुत प्यारा इंसान है, वाह बहुत प्यारा इंसान है, जान समझिए राइट भाव मैंने वाह बहुत प्यारा इंसान है। दूसरा मैंने लिखा गांव का कुआं, बहुत गहरा है। ठीक, मेरे पिताजी पर बुढ़ापा आ गया, उसे कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कहा ये जो रेखांकित शब्द हैं किस संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए प्रश्न एक बार तो लिख दिया बहुत प्यारा इंसान है, प्यारा पेंडल लाइन कर दिया, और आपसे पूछा गया कि इनमें से रेखांकित शब्द जो है वो किस संज्ञा को प्रदर्शित करता है, चार ऑप्शन होंगे, तो सर हमेशा ध्यान रखिए जब किसी भी वस्तु के भाव का प्रदर्शन हो जाए, भाव का मतलब उस वस्तु की वास्तविकता पता चल जाए तो वो भाव में चली जाती है। जैसे अगर वाह है तो कैसा है, इसकी वास्तविकता क्या है आपके लिए, प्यारा है, तो प्यारा भाव में चला गया। अगर कुआं की वास्तविकता क्या है, गहराई, गहरा, तो गहरा चला गया। अगर मैं कह दूं पिताजी का वास्तविकता इस समय क्या है, बुढ़ापा है, तो ये क्या है, सब उस वस्तु की क्वालिटी, कहने का मतलब है उस वस्तु की वास्तविकता को दिखा रहे हैं। और दूसरे शब्दों में सर समझ दो, बता दो, जो वाक्य का विशेषण होता है वही भाव होता है। नहीं समझे, जैसे मैंने कहा सेना,
सेना एक से तो बनती नहीं है, एक से ज्यादा लोग सैनिक होते हैं तो ये चला जाएगा समूहवाचक रूप। जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं, ताश की गट्टी क्या है? समूहवाचक रूप। ये तो खैर आपको ये पता लग जाएगा कि समूह में क्या आ जाएगी। हे आगे बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां पर हमें कोई भी क्वांटिटी की बात आ जाए, मात्रा की बात आ जाए, ठीक, तो वो आपका द्रव्यवाचक में दूध दही मक्खन घी ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, केवल जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं वो शुरुआत की तीन है आपके लिए। जो कंपटीशन ज्यादा डिमांड करता है जो जातिवाचक करता है, व्यक्तिवाचक करता है और भाववाचक करता है। ठीक है, अब इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अति रमणीय
तोहफा है। अब ये वाक्य आपके सामने है, अब इसमें बताइए संज्ञा है या नहीं है। अभी तो परिभाषा थी, अब क्लियर पत्र भी आएगी कि ये वाक्य लिखा है क्या इसमें संज्ञा है, तो कौन सी है और संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जिससे पूछे केवल वही बताइए, आप बताइए सर कौन सी संज्ञा है, कौन से शब्द संज्ञा है। हिमालय है, हिमालय संज्ञा है मान लेते हैं, कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, केवल पूरे वाक्य में एक ही संज्ञा है, उपा भी है, कौन सी है। उपापद संज्ञा है, जातिवाचक हो गए, बड़ा डाउट मैं बता रहे हैं, आप बताइए मैम कौन सी संज्ञा है। जाति है, क्या
आप क्या बोल रहे, पुत्र है तो जाति हो गई, पुत्र है तो जाति हो गई, और अगर चार पुत्रों के मैं नाम लिख दूं सर तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। आगे बात सुनिए, और अगर मैं शैलजा को यहाँ पर रेखांकित कर दूं तो शैलजा किस पर चली जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकुलर किसी का नाम है। आगे बात समझ में सर, हमको भी नहीं पता सर क्या होती है जारी रखनी। अब एक दो मैंने आपको कॉलम बनाए, एक कॉलम में कुछ लिखा है, एक कॉलम में कुछ लिखा है, दोनों में आप अंतर बता सकते हो, बस आपको जाति संख्या से कोई मतलब नहीं, इसमें दोनों कॉलम में कुछ अंतर आप बता सकते हैं, आपको क्या लग रहा है दोनों कॉलम में कुछ ना कुछ अंतर है, क्या है? नहीं क्या क्या संख्या हटाइए सर, इसमें संख्या संकेत कोई आती नहीं है, हमको ये बताइए दोनों कॉलम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर दिख रहा है आपको? जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं, जैसे जींस खरीदी आपने, दो जींस रख दी गई, अब दोनों में आप कंपेयर करते हो कि कौन सी बेटर है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी में खरीदनी चाहिए, तो ऐसे ही दोनों में से अंतर बताइए, बस दोनों में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पे सर आपने देखा कि एक तरफ
कुछ लिखा है और एक तरफ उस चीज से संबंधित नाम लिखा है। ठीक, अब देखिए सर, अगर मैं आपसे कहूँ आशीष मिश्रा हूँ, मैं आपसे कहूँ आशीष मिश्रा को पेट भी समझिएगा, तो आशीष मिश्रा की जाति क्या है सर? समझ में? मैं कहूँ मैं आशीष मिश्रा से हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक, समाज में कहा, समाज हमको क्या समझेगा? लड़की समझेगा, लड़का समझेगा, उसको उधर भी मत देखिए, उसको क्या समझेगा? लड़का समझेगा सर। तो मेरी जाति क्या है सर? जाति का मतलब जिससे मेरा वजूद है, मैं पुरुष हुआ तो पुरुष होना मेरी जाति हो गई सर, मेरा नाम मेरे व्यक्ति हो गई, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर देखिए लड़की जैसे उमा है, उमा की जाति क्या है? लड़की होना, तो लड़की तो सर जाति में हो गई और जाति का नाम दे दिया वो व्यक्ति में हो गई। अब लड़का जाति है, जाति का नाम कोई भी दे दे जब आपको व्यक्ति में हो गई। जैसे अगर मैं कहूँ पर्वत है, जैसे अरावली कह दूँ, जैसे मैं आपसे कह दूँ अरावली है, अब सर अरावली क्या है सर? अरावली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन अरावली है क्या सर? पर्वत है। अरावली क्या है? पर्वत है। और जब अरावली आप समझ गए पर्वत है, तो अरावली की वास्तविकता कहाँ से जुड़ी है? पर्वत से। तो जहां से वास्तविकता जुड़ी है वो जाति में चली जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा गंगा, अब आपने गंगा कह दिया तो गंगा तो नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गई, लेकिन गंगा है क्या सर? नदी है। तो गंगा की वास्तविकता नदी होना है, और वास्तविकता जब किसी की आ गई तो ये क्या हो गई सर? भाई लगा तो कुरुक्षेत्र, अब कुरुक्षेत्र है क्या? मैदानी तो है, तो कुरुक्षेत्र किसको कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की वास्तविकता क्या है? मैदान। और मैदान क्या? कुरुक्षेत्र। अगर मैं कहूँ मैं खेत गया और मैं यहाँ ये है, मैं खेत में खड़ा हूँ, मुझे कब तक इसका खेत है? खेत है। अगर कह दूँ मैं राम का खेत है, हाँ भैया राम का खेत है, राम नाम आ गया, व्यक्ति हो गई, और जब तक खेत रहा उसकी वास्तविकता तो खेती है, मैं कहाँ खड़ा हूँ? यहाँ खेत में खड़ा हूँ। वास्तविकता क्या है? मेरा खड़ा होना कहाँ? खेत में। और खेत होगी जल्दी। आप क्लियर सर? असमंजस सर, आपको क्या था? जब हम खुद पढ़ते थे हमको भी होता था, समझ नहीं आता था क्या जाती है, लेकिन हाँ कोई बोल देता था, अंधी मार देता था, सही हो गई, सही हो गई, गलत हो गई। क्रिकेट का मैदान है सर। एक मिनट, एक मिनट, मन में डाउट करके मत जाइए, पैसा खर्च कर रहे हो। क्रिकेट का मैदान और एक है क्रिकेट गार्डन। कहाँ है क्रिकेट गार्डन? कोलकाता। एक अब देखिए भाई साहब, अगर मैं ईडन गार्डन गया, अगर मैं कह दूं मैं ईडन गार्डन गया, तो ईडन गार्डन क्या है? ईडन गार्डन तो आपका नाम है मैदान का, तो व्यक्ति हो गई। और ईडन गार्डन की वास्तविकता क्या है? वो है भाई साहब क्रिकेट का मैदान। इसकी वास्तविकता क्या है? क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट गार्डन कहते हैं। तो ये जब वास्तविकता आ गई किसी चीज की, और वास्तविकता हमेशा उसकी जाति वाचक को प्रदर्शित करती है। ठीक, अब क्लियर? अगर मैं कहूं, अब बात ये तो संज्ञा की थी, अब बात मैं क्रिया का करता हूं, ना समझाया पूछता है, सबको पता है क्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा डिमांड है क्रिया की। और सुबह से जब उठते हैं और रात में जब तक सोते हैं, इसके बीच में जितने हमारे काम हैं वो सब क्रिया है। शुद्ध भाषा है, सुबह से लेकर रात तक जितने भी हम काम करते हैं वो सब हमारी क्रियाएं हैं। और जिसको इंग्लिश बोलते हैं एक्शन वर्ड्स आर पार्ट वर्क
कार्य करने की क्षमता क्रिया वगैरह वगैरह परिभाषाओं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्रिया से कोई मतलब नहीं है, बस आप जान लीजिए क्रिया किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया सुबह से रात तक जितना भी हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, वो सब हमारी क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। अब मेन भाग यहाँ पर आएगा, क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो सर क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया पहला, और दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है सर। अब सबसे ज्यादा एक वाक्य लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, या इन उपयुक्त वाक्यों में कौन सी क्रिया दी गई है, आपको बतानी है सकर्मक अकर्मक। एक सकर्मक का मतलब होता है सा का मतलब होता है सार, सा का मतलब होता है सर यहाँ सार, और कर्म का मतलब कर्म, यानी जहां वाक्य में कर्म दिया हो, जिस वाक्य में कर्म दिया हो वो आपकी सकर्मक होती है, और आपका मतलब नहीं जहां कर्म नहीं हो वो अकर्मक होती है। समझ आया? सकर्मक नाम से ही क्लियर है जहां पर आपका कर्म हो, और आपका मतलब नहीं जहां पे आपका कर्म नहीं हो वो अकर्मक हो। ये भी बहुत विवादास्पद चीजें हैं, आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बाकी एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, रो रहा पर कर दिया मैंने अंडरलाइन। अब आपको पता है रोना तो क्रिया है, ये तो पता ही होगा कि रोना क्या है, रोना क्रिया है, और मैं पूछूं कैसी क्रिया है तो बताएंगे आप लोग रोना कैसी क्रिया है, अकर्मक सकर्मक। सर ने कहा सकर्मक है, आपके हिसाब से अकर्मक है, चलिए अकर्मक ये लिख देते हैं। आप बताइए सर कैसी क्रिया है, सकर्मक है। मैंने परिभाषा में आपको क्या बताया सकर्मक का मतलब क्या होगा सर, साथ, किसका साथ चाहिए, किसी का साथ चाहिए, ऐसा थोड़ी ना सर, अगर जीवन में शादी भी होती है एक ही से होती है, एक ही का साथ मांगता है भगवान, ऐसे सब सबके साथ थोड़ी ना पाएगा। जहां कर्म साथ में हो और जहां पर कर्म आपका साथ में ना हो वो अकर्मक हो गए। अब सटीक बिल्कुल डाउट नहीं है, आप लोगों ने पता नहीं किस बेस का आंसर दे दिया। अब बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या है, क्या बच्चा रो रहा है, इसमें कर्म कहीं से आपको दिखाई दे रहा है, और जब कर्म नहीं है सर तो फिर अकर्मक हो गए सर। आप हमको बताइए अगर यहाँ पर होता कि बच्चा रो रहा है और बच्चे का रोने का कारण दिया होता तब ये पूरा सेंटेंस पूरा वाक्य होता, तब ये हो जाती है आपकी सकर्मक। अरे बासन में अगर मैं कह दूं, मैं अगर मैं वाक्य लिखूं और मैं कह दूं मैं किताब को पढ़ रहा हूं या मैं किताब पढ़ रहा हूं सर, बात को समझिए थोड़ा सा, कम पढ़िए सॉलिड पढ़िए, मैं किताब पढ़ रहा हूं और दोनों में अगर मैं थोड़ी देर के लिए किताब को गायब कर दूं, समझ लीजिए किताब लिखा नहीं है, तो मैं पढ़ रहा हूं सर, क्या पढ़ रहा हूं, कोई कर्म है, अकर्मक हो जाएगी। और अगर मैं कह दूं मैं किताब पढ़ रहा हूं तो मैं क्या पढ़ रहा हूं क्वेश्चन में दिया है, तो ये सर सकर्मक हो जाएगी। बहुत विवादित चीजें हैं, बहुत यूपीएससी और यूपीएससी दोनों डिमांड करता है, उदाहरण पेपर देख लीजिएगा, फालतू का नंबर है सर, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है माइंड को। अगर मैं कह दूं मैं खेल रहा हूं सर, कर्म है नहीं है, अकर्मक हो गई। और मैं कह दूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सकर्मक हो गई।
मैं उठता हूँ कब उठते हो पता नहीं पता ना सर, अकर्मक हो गई। और मैं कह दूं मैं सुबह उठता हूँ सकर्मक हो गई, सकर्मक है। और मैं जाता हूँ अकर्मक है, कहाँ जाते हो भाई? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें हैं। जैसे अभी मान लीजिए स्टेट पेपर आज दिया है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, संज्ञा संज्ञा बताया
क्या है? नाम है। किसका नाम है? समीक्षा क्या है? संज्ञा है। जातिवाचक है। क्या टाइम लगेगा सर? मीरा जोर से हंसी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या ये सेट पेपर में कह रहा है? मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? बताइए सर, मीरा जोर से हंसी कौन सी क्रिया है? मीरा जोर से हंसी, अब ये कौन सा सर उदाहरण है? तो सर कौन सी क्रिया है बताइए सर? सकर्मक है। बिल्कुल सही है, सकर्मक हुई। आप बताइए, अकर्मक हुई? अकर्मक, सकर्मक। आप विकर्मक हुई? वेरी गुड। इसमें आपसे दिया सर यूज करना चाहिए। आप बताइए, पता नहीं, दिमाग यही है आपका? लग तो नहीं रहा सर। देखिए, मीरा जोर से सी, पहले जो चार ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सकर्मक अकर्मक आपको पता है। तो सर बचे दो ऑप्शन, दूसरा है त्रिकर्मक, जिसमें द्वी का मतलब दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म हो, यानी उसका उसकी जो उस वाक्य की क्रिया होगी दो चीजों पर निर्भर कर रही होगी। कौन कौन जैसे मान लीजिए उदाहरण मैंने दिया, मीरा ने, मीरा नाटक और खेल के कारण कारण जोर से हंसी। ठीक, हंसना क्रिया हो गई, उसका हंसना दो चीजों पर निर्भर करता है, किस पर? नाटक और खेलने के कारण। तो ये सब विकर्मक क्या है, आपको समझ रहे मेरी? चौथा ऑप्शन इसमें दिया प्रेरणार्थक, ऐसी क्रियाएं जहां से प्रेरणा संबंधित बातें निकलती आती हैं वो प्रेरणार्थक में जाती हैं। तो क्या हंसना, मीरा जोर से हंसी, क्या प्रेरणार्थक है? क्या मीरा जोर से हंसी प्रेरणार्थक है? तो यानी ये दो ऑप्शन जो बिल्कुल गलत ही है। अच्छे, सकर्मक कर्मक, सकर्मक हो गए। इतनी आसानी से आंसर दे दिया। सकर्मक में मतलब होना चाहिए कर्म होना चाहिए, और गुरुदेव बताइए कर्म कहाँ पे है यहाँ पर? कर्म कहाँ पे है वाक्य में? उसका मीरा हंसी, लेकिन काहे हंसी कहीं व्याख्या है इस वाक्य में? जोर से हंसी, जोर का विशेषण हो गया, लेकिन वो हंसी क्यों? क्या इसका उद्देश्य या कर्म कहीं वाक्य में दिया है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिखकर दिया? और जब कर्म नहीं है सर, बार बार उस चीज को गलत साबित कर रहा, कर्मक हो गई। आई बात समझ में? तो इन छोटी छोटी चीजों में से हमने आपको पढ़ा दिया संज्ञा और क्रियाएं, उसके बाद आप गलत करो, यह बहुत कष्टदायक चीजें हैं। एक एक नंबर से कितना कटा, एक नंबर अभी आपके सामने पेटका निशान निकलेगा, पूछे कटा 68 से 73 के बीच में जाएगा जनरल, वहां पर आपको एक नंबर तो हटा दो, आधे नंबर की वैल्यू पता चलेगी।
देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कितना भी टैलेंटेड गाइड हो, वो 100 नंबर का पेट एग्जाम करके आया, रिजल्ट आ जाएगा 100 नहीं आया। तो वहां पर एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो हमने जैसे क्रिया और संज्ञा पढ़ ली उसके बाद भी गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। तैयारी कब होती है? अगर मैंने आपको यहाँ सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ा दी, आप घर पे जाइए कम से कम 20 क्वेश्चन उसके उठाइए, अगर 20 में आप 20 सही कर रहे हो मैं गारंटी देता हूँ भविष्य में उससे संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं। और इस हथौड़ी का खेल क्या है, लड़का यहाँ से निकलेगा, रख देगा, फिर अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाएगा, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। पचपन पे आइए, मेरा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब भैया सभी लोग सही बनाना, किसमें अकर्मक क्रिया है भाई? पहला बिल्कुल सही आंसर बताया सर ने, जब आंसर तुरंत आता है अच्छा लगता है, और इसमें कोई भी आपको डाउट की कोई चीज नहीं है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन बात करूं, मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो क्या पिसवा रहा हूं? गेहूं को कर्म दिया है, सकर्मक हो गई। अगर दूसरी बात कहूं, श्याम निबंध लिखता है, तो श्याम क्या लिखता है? निबंध, सकर्म दिया है, सकर्मक हो गई। राम रुला रहा है, किसको रुला रहा है? मोहन को, कर्म दिया है, सकर्मक हो गई। लेकिन अगर इसके अपोजिट बात करूं, पानी बरस रहा है, तो सर पानी बरस रहा है, कहां बरस रहा है, कैसा बरस रहा है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के कर्म को नहीं दिया गया है, इसलिए ये अकर्मक में आ जाएगी। एक उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, अगर अभी भी किसी को डाउट है पूछ सकता है, जिसके बंदे को विवाद चल रहा हो। देखिए मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि कम पढ़िए अच्छा पढ़िए। यहां से टॉपिक पढ़ने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस टॉपिक से संबंधित, कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना रहते हैं, विशेषण और विशेष लीजिए सर, हाँ वो सोच रहा था मैं कल चर्चा करता, नहीं बता दे रहा जैसे मैं कह दूं, थोड़ा देर के लिए काला घोड़ा ये बात लिख लूंगी, ठीक। मैं कोई किताबी चीज नहीं बता रहा हूँ सर, बात को अगर समझ में आ जाए बताइएगा। जैसे घोड़ा है सर, घोड़ा है, घोड़ा कैसा है सर? काला, यानी घोड़े का रंग काला है, यानी घोड़े की रंग काला, यदि काला यहाँ पर क्या हो गया सर? विशेषण हो गया, ठीक। और ये विशेषण, ये जो काला है किसको संबोधन कर रहा है? घोड़े को कर रहा है, तो घोड़ा हो गया विशेषण। और देखिए सुंदर लड़की, लड़की कैसी है सर? सुंदर, तो सुंदर क्या हो गई? विशेषण। और लड़की जिसकी वो विशेषता बताए वो विशेषण हो गया, ठीक। अभी आप परिभाषा देखें, घोड़ा संज्ञा है, लड़की संज्ञा है सर। ऐसे शब्द जो संज्ञा को, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है शब्द, तो विशेषण कहलाता है। आई बात समझे सर?